अमेठी का इलाका और प्रियंका गांधी चल पड़ी थी और पूछे जाने पर कहती हैं बिटवीन देम एंड यू यू मेक माई लाइफ मिजरेबल। कहने का मतलब ये कि मीडिया वाले और एसपीजी मिलकर मुझे बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं, लोगों से मिलने नहीं देते हैं, लेकिन ये अंदाज प्रियंका गांधी का जबरदस्त। अब देखिए कि इसके अलावा क्या हो रहा था दूसरी तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष कहां थी? सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश में और चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रही थी और चुनावी जनसभा में उन्होंने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के प्रत्याशी पर हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप को अभी से ही वो प्रधानमंत्री समझने लगे हैं और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। भ्रष्टाचार के सवाल पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी सवाल खड़े करते हैं वो उचित नहीं है और देश ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खुद मान लिया है कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जबकि ये तय तो जनता को करना है, लेकिन अभी से वो समझ रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान भी आजकल भारतीय चुनाव में बड़ा इंटरेस्ट रख रहा है और उसकी वजह से भी यहां कुछ वोट जो हैं वो इधर से उधर होंगे। क्या क्या फैक्टर है पाकिस्तान इस बार लगने लगा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के गृहमंत्री के बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है और अधिकांश पार्टियां इसे भारत के मामले में पाकिस्तान की दखलंदाजी बता रही हैं। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो क्या कहते हैं, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो हमेशा अपनी नई बात के साथ सामने आते हैं। उन्होंने कह दिया नरेंद्र मोदी को ही पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये बयान सुना तो उन्होंने कहा गैर जिम्मेदाराना बयान है। नरेंद्र मोदी के बारे में पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा, जो दूसरे को भेज रहा है पहले वो जाना। पाकिस्तान के मंत्री जिस तरीके से बात बोलते हैं, जिस तरह से बात बोलता है, पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं, नहीं लगता है कि भारत के आंतरिक मामलों में लोग हस्तक्षेप। ये गंदा बात कोई नहीं बोलता, ये सब बोलता बीजेपी वाला। लालू जी तो खुद ही कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं और जो पॉपुलर वो हैं तो नरेंद्र मोदी को क्यों भेजना चाहते हैं। लालू जी का दिमाग अभी लगता है सिर्फ आधा खराब हो गया है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद पूरा खराब हो जाएगा। देखिए जनता जो है हिंदुस्तान की, ये लालू जी सुन ले, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और लालू जी को जरा से अगर सभ्य तरीके से बात करना ना आए तो शायद बात कम करनी चाहिए। बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी हैं और नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी हैं तो लालू यादव उन्हें पाकिस्तान जाने की बात कहते हैं, उन्हें भेजने की बात कहते हैं, तो नाराजगी तो लाजमी है। और इस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए आपने सुना, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लालू जी से सवाल किया है कि वो आखिर महंगाई भ्रष्टाचार वालों के साथ क्यों हैं, आखिर कांग्रेस के साथ वो क्यों हैं और क्यों नहीं शेर दिल वालों के साथ वो आ जाते हैं। लालू भाई आपको एक बात और समझनी चाहिए, कमजोर करेंगे से न तो बिहार की हिफाजत की जा सकती है, न बिहार की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है और हिंदुस्तान की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। भारत को बनाने के लिए कमजोर कलेजा नहीं चाहिए बल्कि शेर का कलेजा चाहिए मेरे लालू भाई, ऐसे नहीं बनेगा। लालू जी को बीजेपी के साथ आने के लिए कह रहे हैं राजनाथ सिंह। भारतीय राजनीति में वैसे कहते हैं राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन क्या ये संभव है? चलिए, क्योंकि अब बात हो रही है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, तो आपको याद दिलाएं कि किस तरह से कमल के निशान को दिखाते हुए
जब मतदान दिया नरेंद्र मोदी ने तो अपनी बातें कही थी और इसको लेकर केस भी हो गया और केस हुआ कि भाई जल्दी से कार्रवाई कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से यह कहा है कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में मोदी के खिलाफ धारा 130 जो है जनप्रतिनिधि कानून का, उसे भी लगाया जाए और ताकि इसलिए कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी हो सके। और ये एक फ्रेश अपील है जो की गई है, एक ताजा अपील की गई है और कहा यह गया है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जरूरी है कि ये नई धाराएं लगाई जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है और किस तरह से उसने प्रतिक्रिया दी वो भी जरा सुनिए। इस तरह से गैर वाजिब और हास्यास्पद तरीके से जो कांग्रेस पार्टी एक बच्चे की तरह बार बार दौड़कर जाती है चुनाव आयोग के सामने, मुझे यही लगता है कि इनके पास अपने मुद्दों पर कुछ नहीं बचा। हम तो सुशासन और विकास की बात करते हैं, इन्होंने अपने को एक बचकानी हरकत के रूप में सिर्फ शिकायतकर्ता बनाया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और देश को भी लगेगा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जो ताजा अभी सूचना आई है उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने जो कल बयान दिया था वोटिंग करने के बाद, वो उस दायरे के भीतर ही दे दिया था जो कि वर्जित है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ वायलेशन हुआ है, कुछ अवमानना हुई है चुनाव आयोग की। और ऐसे में क्या कोई चुनाव आयोग सख्त कदम उठाने जा रहा है? चलिए, तो बातें हुई चुनाव आयोग की, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार में क्या कुछ कह गए, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में थे और आंध्र प्रदेश से कैसे निशाना साधा गया कांग्रेस पर, वो आपको हम सुनाएंगे। एक छोटा सा विराम ले लेते हैं।